यूपी के जनपद फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर। नगर आयुक्त को नगर विधायक ने दी गाली। नगर आयुक्त का कहना, जब से मैंने चार्ज लिया तब से विधायक जी ने मेरा मानसिक उत्पीड़न किया, अपने घर बुलाकर भी किया मेरा अपमान। नगर आयुक्त ने शासन को स्थानांतरण के लिए लिखा पत्र। विधायक के आगे अधिकारी रहते हैं नतमस्तक। नगर विधायक से मेरी जान को खतरा, नगर आयुक्त। नगर निगम के हर काम में करते हैं नगर विधायक हस्तक्षेप। क्या है जो क्या वजन जा रहा है आपको, जो बदला की किसने बदला की आपसे, किस तरह की, जो आपकी तबीयत बिगड़ी और आप कल जिला अस्पताल में एडमिट रहे? नहीं, उसमें वहाँ पर वो चार बाग है, वहाँ पर एक ट्यूबवेल ख़राब हो गया तो उसको पानी प्रॉब्लम थोड़ा हो गया, तो उसके लिए टैंकर वगैरह हमने भेज दिए थे, लेकिन कोई चीज़ें चलते मशीनें चलते ख़राब हो जाती तो सही कराने में टाइम लग ही जाता है। जैसे ही संज्ञान आया हमें तुरंत, तो हमने उसको कल सही करा दिया और पानी की सप्लाई चालू कर दी। लेकिन उसी चीज़ को लेकर के राजनीति करके और एक अधिकारी को बेइज्जत करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए शोभा नहीं देता है। सर, लोगों का कहना है कि विधायक जी ने आपको बद्दी बद्दी गालियाँ दी हो। हाँ, बहुत और क्या, ऐसी बातें कही जो कि एक माननीय विधायक को नहीं कहना चाहिए। सर, कौन विधायक है ये? अरे, क्षेत्रीय विधायक है। और कौन है, क्या नाम है सर इनका? मनीष ससीजा जी नाम है उनका। सर, अब आपने शासन को लेटर, जब से यहाँ आया हूँ तभी से इन्होंने मेरे ऊपर उत्पीड़न चालू कर दिया, मुझे घर बुला के भी इन्होंने बेइज्जत किया, दो तीन बार इन्होंने घर बुलाया, वहाँ भी मुझे मतलब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। घर बुलाया तो क्या काम से? सर, आपको घर पे बुलाया विधायक ने तो क्या बोला? नहीं, वहाँ भी ऐसी मतलब उत्पीड़नात्मक बातें कहीं जिससे कि आदमी सहन नहीं कर सके, और इसके बाद में चलाया वहाँ से, मानसिक उत्पीड़न किया, इसलिए आपकी तबीयत। हाँ, मैंने जब से चार्ज लिया तभी से मेरा उत्पीड़न चालू कर दिया। तो सर, अब क्या करोगे आप? और मैं पूरा तनमन से काम कर रहा हूँ, मेहनत के साथ कार्य कर रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से लगातार कार्य कर रहा हूँ। हाँ, जब से आया हूँ समस्याएं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सर, आपने शासन को भी लेटर दिया? 7 बजे निकलता हूँ, शाम को 7-8 बजे तक काम करता हूँ। सर, आपने शासन को भी लेटर भेजा है? और क्या, फिर मैंने सोचा कि जब आदमी संतुष्ट नहीं, माननीय विधायक संतुष्ट नहीं है, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमने की यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उचित है। तो एक नगर विधायक के पीछे अपना ट्रांसफ़र करवा रहे हैं यहाँ से, और क्या करें जब आप काम करने नहीं दे रहे, अनावश्यक दबाव। जब से आए तब से आपके पीछे पड़े हैं विधायक? जब से ही, तब से मैंने ज्वाइन किया तभी से। ओके सर, उससे पहले भी कोशिश की कि यहाँ पर आने के लिए कि यहाँ पर पोस्टिंग न हो। घर कितनी बार बुलाया आपको? 3 बार मुझे बुलाया। 3 बार मानसिक उत्पीड़न किया आपके साथ? और क्या, अरे मुझे रुला तक दिया उन्होंने, वहाँ चाय पिलाएंगे गर्म फिर रुला देते, पहले चाय पिलाते ही गर्म फिर रुलाते हैं, और ऐसी दशा में वहाँ से चलाया, फिर क्या करता। सर, लोगों का कहना था कि कल आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मंगवाई जनता से। और क्या, इन्होंने और क्या करता, मुझे घेर लिया, मुझे वहाँ तो मरवा भी देते, वो ऐसी स्थिति पैदा थी, हत्या भी हो जाती मेरी वहाँ, अगर मैं सारी तरह वहाँ खड़ा नहीं रहता कुछ बोलता तो हत्या भी करवा देते क्या? और क्या, पूरी आशंका थी, घेर लिया था चारों तरफ 100-200 आदमियों ने, और मुझे बद्दी बद्दी गालियाँ दी, जो कि एक विधायक को एक अधिकारी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं। गालियाँ दी थी 1 घंटे 100-200 आदमियों के बीच में, आपको इतने आदमी आत्महत्या करके मर जाएगा आपको? हाँ, दी थी विधायक जी ने। कौन से विधायक जी ने? विधायक वही तो है। अरे, कोई क्लू, कोई समन्वय के कारण, कोई कारण नहीं है, मैं तो जब से आया तभी से मुझे परेशान कर रहे हैं। जाति दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन का मामला नहीं है, कुछ लेन देन का उनका घर है।